देश में हुए लोकसभा चुनाव के बाद अब तमाम राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारियां भी शुरू हो चुकी हैं। इसी कड़ी में बिहार में भी अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव दिलचस्प हो सकते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर की पार्टी भी इस बार चुनावी मैदान में उतरेगी और साथ ही इसी सिलसिले में हाल ही में प्रशांत किशोर ने जन स्वराज के राजनीतिक दल बनने को लेकर दो बड़े ऐलान कर दिए हैं। वहीं ऐलानों के बाद कहीं ना कहीं बिहार के तमाम दिग्गजों की नींदें भी उड़ने वाली है। दरअसल सोशल मीडिया साइट एक्स पर पोस्ट करते हुए प्रशांत किशोर ने लिखा कि हमने बिहार के हजारों गांवों और छोटे शहरों में दो साल से अधिक की पदयात्रा की है। इसके बाद हमने बेहतर विकल्प देने के लिए औपचारिक रूप से पार्टी गठन की प्रक्रिया शुरू की है जो दशकों के दुख को समाप्त करेगी। इसके बाद बड़ा ऐलान करते हुए उन्होंने कहा कि जैसा कि वादा किया गया था, मैं पार्टी में कोई भी पद नहीं मांगने वाला हूं। साथ ही अगले कई महीनों तक जमीनी स्तर पर अपनी पहुंच बनाए रखूंगा। पीके ने पोस्ट में कहा कि 2 अक्टूबर को पार्टी के आधिकारिक लॉन्च से पहले रविवार को 8 पदाधिकारियों का पहला सम्मेलन हुआ। इसके साथ उन्होंने कहा कि इस तरह से आगे की प्रक्रिया शुरू हुई। साथ ही उन्होंने बताया कि अगले 2 महीनों में 1.5 लाख जन स्वराज पदाधिकारी और लाखों प्रतिभागी संस्थापक सदस्य विचार विमर्श करेंगे। साथ ही पार्टी की प्रमुख प्राथमिकताओं पर फैसले लिए जाएंगे। पार्टी संविधान का मसौदा तैयार करना है और उसे अंतिम रूप भी देना है। अंत में पार्टी के नेताओं का चुनाव किया जाएगा। वहीं प्रशांत किशोर अभी से अपनी रणनीति को राजनीति की जमीन पर उतार रहे हैं। प्रशांत की नजर जननायक कर्पूरी ठाकुर की विरासत पर भी है। बीते रविवार को उनके संगठन ने जेडीयू में बड़ी सेंध लगाई है और 5 बड़े चेहरों को संगठन में शामिल किया है। प्रशांत ने कर्पूरी ठाकुर की पोती डॉक्टर जागृति ठाकुर को भी जन स्वराज में एंट्री दिलाई है। इसके बाद अब इसके कई सियासी मायने निकाले जाने लगे हैं। वहीं भारत रत्न से सम्मानित समाजवादी नेता कर्पूरी ठाकुर के छोटे बेटे वीरेंद्र नाथ ठाकुर की बेटी जागृति ठाकुर के साथ ही जन स्वराज में शामिल होने वाले अन्य लोगों में पूर्व आरजेडी एमएलसी रामबली सिंह चंद्रवंशी भी हैं, जिन्हें हाल ही में अनुशासनहीनता के आधार पर विधान परिषद से अयोग्य घोषित कर दिया गया था। उनके साथ ही पूर्व आईपीएस अधिकारी आनंद मिश्रा जन स्वराज में शामिल हुए हैं। उन्होंने लोकसभा चुनाव में भाजपा से टिकट मिलने की उम्मीद में सेवा से इस्तीफा दे दिया था, लेकिन टिकट से वंचित होने के बाद उन्होंने बक्सर में निर्दलीय रूप से चुनाव लड़ा था। वहीं आपको बता दें कि प्रशांत किशोर ने 2 अक्टूबर 2022 को बिहार में जन स्वराज अभियान की शुरुआत की थी और अगले 12 से 15 महीनों में पूरे प्रदेश के गांवों और शहरों और कस्बों में 3,500 किलोमीटर की पदयात्रा का ऐलान किया था। अब वो राजनीतिक पार्टी का ऐलान भी गांधी जयंती के दिन ही करने जा रहे हैं। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस ने प्रशांत किशोर पर आरोप लगाते हुए कहा है कि पीके बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं। पीके अब चुनावी रणनीतिकार नहीं बल्कि एक व्यापारी बन गए हैं। वहीं इसी कड़ी में कांग्रेस के दिग्गज नेता उदित राज ने क्या कहा, ये आप भी सुनिए। स्थिति जन्य जीत किसी पार्टी का किसी दल का कभी हुआ तो श्रेय ले लिया। इस बार क्या कहा था लोकसभा चुनाव में, मोदी जी को 400 सीट दिलवा रहे थे, तो बेसिकली वो भारतीय जनता पार्टी के लिए काम कर रहे हैं और परोक्ष रूप से। और बहुत सारे राज्यों में जहां कहा था कि सरकार बनेगी वहां सरकारें नहीं बनी, तो चार चीज़ों का गुणा भाग अगर मैं लगाता हूँ, आप ही लगाते हो, या 6 लोगों का, या कहा जा सकता है 8 कले, तो 2-3 सही हो जाती हैं। वो तो कोई भी कर सकता है। तो उसी आधार पर ये क्या कहा जा सकता है कि चुनाव रणनीतिकार हैं, ये कोई रणनीतिकार नहीं है, व्यापारी हैं। और पैसा ऐसा अच्छा कमा करके काफ़ी यात्रा कर लिया बिहार में, और अभी लोकसभा का चुनाव बीत गया, हिम्मत पड़ी कैंडिडेट खड़ा करने का, तो आरजेडी और जेडीयू के बारे में बोलने के पहले सोचना चाहिए छोटी मुँह और बड़ी बात। ये क्या है भाई, ये कुछ नहीं है, केवल टोपी बदलने का काम, मैनिपुलेशन का काम, और जर्नलिस्ट पीआर बना के रखने का काम। और जो लोग 50-50 साल से चुनाव जीत रहे हैं उनका उनका क्यों नहीं मीडिया बाइट उठाती हो जब बोलते हैं? ये कौन सी शक्ति हैं भाई, कौन सी हस्ती हैं राजनीतिक रूप से? कुछ नहीं। मीडिया को शर्म आनी चाहिए, क्यों बात का है, किस बात का उनका बाइट और कवरेज होता है, उनकी व्यूज किस बात का? ना वो सेफोलॉजिस्ट हैं, ना चुनाव रणनीतिकार हैं। वो 2013-14 में मोदी जी की लहर थी तो क्रेडिट लेना चाहे तो मोदी जी और अमित शाह जी ने खुद ही बाहर का दरवाजा दिखा दिया था। पार्टी चलो तो बना ही सकते हैं, चुनाव तो लड़ी सकते। अच्छा, पार्टी बनाए लेकिन वो कुछ नहीं हो सकता। क्यों इतने दिनों से कह रहे हैं ये करेंगे वो करेंगे, जन स्वराज जन यात्रा या 51 सा यात्रा चला रहे हैं, सैकड़ों करोड़ लगा दिया है,
क्योंकि आईपैक के माध्यम से कमाया है इन्होंने, और जब कई महीनों से यात्रा कर रहे थे तो लोकसभा चुनाव में उतर के देखना चाहिए था कि कितने पानी में है वो। अब आते हैं, विधानसभा का चुनाव आएगा, देखेंगे कितने पानी में। लेकिन ये खबर, इनके बारे में क्यों खबर निकलती है, किस बात का है भाई, मीडिया के लोगों को समझ में नहीं, कोई और मुद्दा नहीं मिलता है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।